हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। चलो तो गाइस आते हैं अपने लेसन पर। मेरे व्यूवर्स हैं रविंद्र जी, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है गाइस कि थाट भैरवी के बारे में कुछ बताएं। गाइस आज मैं इसमें भैरवी थाट के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा गाइस। तो वीडियोज़ थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, एक बात ध्यान रखें गाइस, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं डिटेल जो बता रहा हूँ, आप कहते हैं कि सर डिटेल में बताइए, तो डिटेल में बता रहा हूँ। आज मैं आपको भैरवी थाट गिटार पर किस प्रकार प्ले होता है पूर्ण रूप से समझा दूंगा गाइस। और बड़ा ही सिंपल है गाइस, आपने देखा और भैरवी थाट यानी कि अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो ये फ्रेजियन मोड होता है गाइस, आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मैं इंग्लिश में इसको वेस्टर्न में क्या कहते हैं और मैं ये क्लासिकल में क्या कहते हैं गाइस, मैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक और वेस्टर्न दोनों प्रकार से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। और मेरा जो मेन मोटिव है वो क्लासिकल टाइप से ही सिखाना है गिटार पर किस प्रकार प्ले होता है गाइस। आई होप कि आप मुझे ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे तो मैं आपके क्वेश्चनों का हो सकेगा तो जवाब देता रहूँगा गाइस। आप मुझे कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो नीचे इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है गाइस, तो आप उस पर मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं गाइस, यदि आपकी मर्ज़ी हो। और गाइस यदि नहीं है तो आपकी मर्जी है गाइस। पर तो गाइस देरी ना करते हुए चलते हैं लेसन की ओर। गाइस आप ये गिटार का फ्रेटबोर्ड देख पा रहे होंगे। तो गाइस आज मैं ने जैसे कि भी आपके थंबनेल में पढ़ी लिया होगा गाइस, तो मैं इसमें आपको किस चीज़ के बारे में बताऊंगा, आज मैं बताऊंगा भैरवी थाट के डिटेल गाइस, क्योंकि एक रविंद्र जी हैं मेरे व्यूवर जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है। तो गाइस मुझे भी आप क्वेश्चन करते रहेंगे डायरेक्ट, मेरे इंस्टाग्राम आईडी आ रही है गाइस, फॉलो कर सकते हैं यदि आपकी मर्जी हो गाइस। तो गाइस मैं समय न लेते हुए स्टार्ट करता हूँ वीडियो। देखिए गाइस मैं आपको सी मेजर स्केल से बताता हूँ हमेशा। यदि कोई भाई मेरा इस लेसन पर नया है तो मैंने और वीडियोज़ बना रखी है, लिंक नीचे मिल जाएंगे, जाके चेक कर सकते हैं। और मैं क्लासिकल ढंग से गिटार सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप कि आप अच्छी तरह कर पाएंगे गाइस। देखिए गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो सी मेजर स्केल है गाइस, मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ गाइस, देख लेते हैं एक बार। सी मेजर स्केल देख लेते हैं गाइस एक बार, तो गाइस कुछ भाई मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूँ कि सर आप ऑनलाइन क्लास देते गए हैं, तो गाइस व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन क्लास देता हूँ और बहुत रीजनेबल रेट पे देता हूँ गाइस, आप मुझे वहाँ पे DM करके पूछ सकते हैं यदि किसी भाई को ऑनलाइन क्लास लेनी है। तो गाइस देखिए, सा रे गा मा पा दा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। तो गाइस ये मेजर स्केल है CDEFGABC, ये मेजर स्केल है गाइस। वेस्टर्न में क्या कहेंगे गाइस, CDEFGABC, और बैक में सर वो ही रहेंगे जो भी है। तो यदि गाइस हम सारे गामा पा धा नी सा बजाते हैं तो ये स्केल जो होता है ये बिलावल होता है इंडियन क्लासिकल के अकॉर्डिंग, और वेस्टर्न के अकॉर्डिंग होता है ये आयोनियन मोड। तो गाइस आज हमारा जो मेन फोकस है वो किस पर है, वो है भैरवी थाट पर। एक्चुअली भैरवी थाट क्या है ये समझिए गाइस, भैरवी थाट अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं भैरवी गाइस, भैरवी थाट नीचे लिखा आ रहा है आप देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूँ ये भैरवी थाट क्या है। भैरवी थाट जो है एक इंडियन क्लासिकल के एक थाटों में थाट है गाइस, और इसकी विशेषता क्या होती है कि इसमें जो चार स्वर हैं वो कोमल जाते हैं गाइस, फोर। कौन से गाइस, एक तो लिख सकते हैं आप, नीचे आ रहे हैं आप देख भी सकते, कोमल स्वर होते हैं गाइस। यदि आपको कोमल और तीव्र के बारे में नहीं पता है कोई भाई इस वीडियो पे नया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर सकते हैं, मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं कोमल स्वर और शुद्ध स्वर और तीव्र स्वर विकृत स्वर जो भी है गाइस, वो सारों की डिटेल बताई हुई है। आप पहले उस लेसन को देख सकते हैं और फिर आप ये देख सकते हैं गाइस। तो देखिए तो इसमें चार कोमल स्वर मैंने बताए गाइस, कौन से जाते हैं, रे गा धा और नी।
तो सिंपल गाइस, यानी कि हम बिलावल स्केल में या कोई सा भी स्केल हो, सी का हो, डी का हो, ई का हो, एफ का हो, गाइस मैं कोई से भी स्केल की बात कर रहा हूँ मेजर, उसमें आप रे गा धानी अगर कोमल कर देते हैं स्वरों को तो कौन सा स्केल बन जाएगा गाइस? भैरवी थाट। वैसे मैं बता दूं जो भैरवी थाट है इसका जो जनक राग है वो राग भैरवी है। गाइस मैं बता दूं आपको, पहले जो उत्पत्ति हुई थी वो रागों की हुई थी गाइस, उसके बाद थाट आए हैं। तो थाटों में अब रागों को डिवाइड कर रखा है गाइस, आप ये समझिए। तो इसका जो जनक राग है वो कौन है सा है गाइस? भैरवी राग। एक्चुअली थाट जो हैं हम समझने के लिए स्केल पे यूज़ करते हैं, बाकी हम थाटों को प्ले नहीं करते हैं गिटार पर। थाट कभी भी प्ले नहीं होते हैं गाइस, थाट सिर्फ समझने के लिए होते हैं। रागाज वगैरह जो थाट के अंदर राग होते हैं गाइस वो ही प्ले होते हैं, जैसे कि भैरवी राग भी होता है। तो हम भैरवी राग की क्या विशेषता है गाइस, इसमें इसके अंदर भी विशेषता तो थाट के अकॉर्डिंग पता ही लग गई कि इसमें चार कोमल स्वर जाते हैं गाइस। तो अब इसमें वादी संवादी न्यास के स्वर बहुत सी चीज़ें होती हैं क्लासिकल ढंग से। तो गाइस इसका वादी जो स्वर है, मैं भैरवी की बात कर रहा हूँ फिलहाल, और इसे वेस्टर्न में फ्रेजियन स्केल कहते हैं, फ्रेजियन मोड। बता दूँ कि ये माइनर मोड होता है हमारा, ना कि मेजर। कुछ भाइयों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि ये मेजर मोड है या माइनर मोड है, तो गाइस मैं बता दूँ ये माइनर स्केल होता है। देखिए, और गाइस आप पूछते हैं कि सर आप फ्रेट बोर्ड पर सारे में किस प्रकार से प्ले कर लेते हैं, तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, जो भाई ये क्वेश्चन कर रहे हैं मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगा किस प्रकार से याद रहता है कि सर सभी जगह से। तो मैं वैसे बता देता हूँ, जैसे कि मैं सी मेजर स्केल बजा रहा हूँ तो सी सी मुझे पता होना चाहिए गाइस पूरे फ्रेट बोर्ड पर कहाँ कहाँ बजता है, तो मैं सारे फ्रेट बोर्ड पर फिर यूज़ करता हूँ। ऐसे ही यदि डी का स्केल है तो मैं डी का मुझे सारी जगह पता होना चाहिए, मैं उसके लिए डिटेल बनाऊँगा क्वेश्चन क्या हुआ है इक्विवेलेंट मेरे पे। मैं अगली जो शायद वीडियो आएगी वो उसी के ऊपर आएगी गाइस, देखते हैं। तो गाइस देखिए, पहले तो स्केल बजा लो शुद्ध सा रे गा मा पा दा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा। इसमें क्या करेंगे, रे गा दा नी कोमल कर देंगे, सिंपल है गाइस। कैसे? सा रे कोमल, सा रे गा कोमल, फिर मा वही रहेगा, पा वही रहेगा, धा कोमल, फिर नी कोमल और सा। तो गाइस सा, आराम से देखिए गाइस, ये देखिए सा रे कोमल, गा कोमल, मा पा धा कोमल, नी कोमल, सा सा नी कोमल, दा कोमल, पा मा गा कोमल, रे सा। तो गाइस आप देख के समझ गए होंगे, यदि मैं शोर हो रहा है तो आप उसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि रोड वगैरह चलती रहती हैं तो उसके लिए सॉरी। देखिए, और मैं फ्रेजियन मोड यदि कहूँगा तो इसे इंग्लिश में कैसे बताऊँगा गाइस? देखिए, सी सी शार्प नोट, डी शार्प नोट, एफ जी जी शार्प नोट, ए शार्प नोट और सी। बैक में क्या गाइस? सी ए शार्प जी एफ डी शार्प सी शार्प सी। तो गाइस सी सी शार्प डी शार्प एफ जी जी शार्प ए शार्प सी। तो सा नी धा पा मा गा रे सा। तो गाइस इसका फील बहुत है, और ये हमारे लाइट म्यूजिक में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है गाइस। इस पे बहुत से गाने हैं, पुराने गाने हैं, नए भी आ रहे हैं। और गाइस इसके डिटेल के बारे में मैं बता दूँ, इसका जो वादी स्वर है वह माँ है, समवादी स्वर जो है उसका सा है। तो गाइस कुछ जो संगीतज्ञ हैं वो इसका वादी स्वर कुछ पा भी मानते हैं और संवादी स्वर सा, लेकिन गाइस मैं बता दूं आपको जो चलन में है इसका वादी स्वर वो माँ में माँ ही मानते हैं, माँ को गाइस।
मावादी स्वर है और संवादी सा। तो गाइस इसमें विशेषताएं रहती है, मैं इसका आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, थाट भैरवी और भैरवी की। अगर मैं राग की बात करूं तो गाइस आज मैं भैरवी राग भी बता रहा हूं आपको, क्योंकि थाट मैंने बताया प्लेन ही होते हैं, थाट समझने के लिए होते हैं, क्योंकि थाटों से हम कैटेगरी डिवाइस कर लेते हैं कौन सी कैटेगरी का राग है। तो गाइस राग में इसमें क्या रेगा धानी कोमल जाते हैं, बस गाइस यही इसकी डिटेल है। और ये सर्वकालीन राग वैसे तो इसे कहते हैं गाइस, और राग भैरवी अधिकतर सुबह के समय भी गाया जाता है, और ये वोकल जो वोकल करते हैं उनके लिए बहुत लाभकारी राग है, और आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सुबह का राग है वैसे तो, लेकिन ये अब जो है चलन में है, तो गाइस इसे किसी भी समय आप यूज़ कर सकते हैं, बजा सकते हैं, गा सकते हैं। अब लाइट सिंगिंग में इसमें गाइस 12 के 12 यानी कि सभी नोट का और भी यूज़ हो जाता है, चार कोमल की जगह पांचवा मातिर भी लगा लेते हैं गाइस इसमें, लेकिन लाइट सिंगिंग में। अगर आप राग प्ले कर रहे हैं पर्टिकुलरली तो उसके अंदर कंडीशन है कि चार ही लगेंगे, रेगा धानी कोमल। तो गाइस इतना आप समझ ही गए होंगे। और वैसे गाइस ये जो है वो इंग्लिश में बता दूँ, फ्रेजियन मोड कहते हैं, फ्रेजियन स्केल होता है, और ये डायटोनिक एज ए डायटोनिक स्केल फ्रेजियन मोड। तो गाइस देखिए आप समझिए, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा धा नी। तो गाइस देखिए यहाँ से समझ गए हैं। अब मैं यहाँ से भी आपको बता देता हूँ, ये भी सी मेजर स्केल है, या ये मेजर स्केल है, और यदि मैं यहाँ पे ये बजाऊँ तो इसमें रेगा धानी कोमल कर दूंगा। गाइस देखिए, सा रे कोमल गा मा पा धा कोमल नी कोमल सा। तो गाइस सिंपल है, आप प्रैक्टिस कीजिए, पहले स्केल्स बजाइए शुद्ध स्केल, फिर जैसे कंडीशन मैंने बताई है कि इसमें रेगा धानी कोमल कर दो तो सभी स्केलों में रेगा धानी कोमल कर दो। गाइस सिंपल है लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। गाइस देखिए, तो गाइस मा गा रे सा नी रे सा गा रे सा मा गा रे सा। तो गाइस गाइज मैंने दो स्केलों पे बताया है, और देखिए जैसे ये सी का स्केल था, ये वाला कॉर्ड, ये भी सी, गाइज एक सी ये बनता है, तो मैंने बता रखा है डिटेल इसकी। तो देखिए गाइज यदि हम यहाँ पे सारेगामा पा धा नी सा बजाते हैं, एक सी गाइज यहाँ बनता है, तो मैंने बताया गाइज स्केल आपके सभी क्लियर होने चाहिए, तभी आप पूरे फ्रेट बोर्ड पर इसे यूज कर पाएंगे। तो गाइस सा सा रे कोमल कर दिया, फिर गा मा सा रे, देखे ये शुद्ध स्केल है गाइस, और इसमें यदि मैं कोमल सा गाइज आप ये देख के समझ गए होंगे, आप यहां पर भी बजा सकते हैं ये वाले पर भी गाइज। तो गाइज पहले आपको मेजर स्केल जहां जहां बजते हैं वहीं वहीं पे राग बज जाएगा गाइज। तो एक गाइज यहां पे ये भी मेजर स्केल है गाइस, तो कैसे करेंगे, सा रे कोमल गा, तो गाइस इस प्रकार से
तो गाइस ये भी सी मेजर है। तो गाइस सी मेजर जहाँ जहाँ भी बनता है, मैंने फोर्थ पोजीशन ऑलरेडी एक लेके समझ गए होंगे। तो गाइस आप ये डिटेल देख के समझ गए होंगे। और मैं तो इसमें कैसे सा रे कोमल गा कोमल मा पा धा कोमल नी सा सा नी कोमल धा कोमल पा मा गा रे सा। सा रे कोमल गा कोमल मा पा धा कोमल नी कोमल सा सा नी कोमल धा कोमल पा मा गा रे कोमल सा नी सा रे सा। तो गाइज इस प्रकार से सभी जगह आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर आप कहते हैं तो थैंक यू गाइज, शायद आप ये देख के समझ गए होंगे।